हिंदी भाषा मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करा असे प्रतिपादन माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी हिंदी भाषा दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमावेळी केले. हिंदी भाषा दिन बुधवारी सर्वत्र साजरा करण्यात आला. या दिनानिमित्त नवीन पनवेल येथील कर्नाटक हॉलमध्ये सहयोग स्नेह सेवा संस्थांच्या वतीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी भेट देत सर्वांना हिंदी भाषा दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच सहयोग स्नेह सेवा संस्थान या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. नवीन पनवेल सेक्टर 3 येथील कर्नाटक हॉलमध्ये झालेल्या या हिंदी भाषा दिनाच्या कार्यक्रमाला आरपी यादव, जितेंद्र तिवारी, रूपा सिन्हा, सुनील सिन्हा, भाजप दक्षिण भारतीय सेल संयोजक श्रीनिवास कोडरू, संतोष बेन, कुलबीर सिंह चंडोक, कैलाश मिश्रा, कृष्णा तिवारी, पुष्पा तिवारी, अर्चना मुजामदार यांच्यासह पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. सभी यहाँ पे हमारे भाइयों बहनों ने जो यहाँ पे तन मन से लगा कि जो काम किया हुआ है उसकी वजह से ये देश यह आगे बढ़ रहा है. और अगर हमें लगता है कि ये देश ऐसे ही आगे बढ़े तो इसके लिए हमें इस हिंदी को हमें मजबूत करना होगा. आज हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर रहते हैं वो पहले वहाँ पे पहली लैंग्वेज कौन सी होती है, इंग्लिश. इंग्लिश लैंग्वेज होती है तो हमारा देश, हमारे देश की इतनी बड़ी यहाँ पे लोकसंख्या है और फिर भी यहाँ पे पहली लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश क्यों आती है. हिंदी आनी चाहिए थी पर वो हिंदी आती नहीं है. और तभी हम जाके देखते हैं कि हॉलैंड होगा, नीदरलैंड होगा, या फिर नॉर्वे होगा, स्वीडन होगा, या फिर कैनेडा होगा, इनकी इनकी लोकसंख्या कितनी है. छोटी सी लोकसंख्या है पर उनके लिए अलग ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है. हमारे लिए उपलब्ध पहले नहीं होता था. अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं 1998-99 की बात कर रहा हूँ तो उस वक्त ये मतलब ये उपलब्ध नहीं था पर बाद में उपलब्ध होने लगा. इसके लिए भी सबसे बड़ा कारण ये हमारा एक बॉलीवुड हमारा जो है इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वजह से हिंदी भाषा बढ़ती जा रही है और हमें इसको मजबूत करना ये हमारा काम होना चाहिए. और इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है तो ज़्यादा ये बात किया जाए इस ये इसके इसको महत्व है. मतलब आज हिंदी भाषा दिन है, मुझे यहाँ पे आके हिंदी भाषा में यहाँ पे मुझे आपसे बात करने के लिए मुझे मिल रहा है, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है. और ऐसे ज़्यादा सौभाग्य ये स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे दिए जाए. अगर ऐसे मौके दिए गए तो ही हिंदी भाषा ये ज़्यादा अच्छी हो सकती है. जितना मैं अभी यहाँ पे बात करूँ उतनी मेरी हिंदी ये सरल होती जा रही है. जितना मैं इसी तरीके से जितना हम स्कूल में प्रयास करें, जितने हम कॉलेजेस में प्रयास करें और जिस तरीके से आपने यहाँ पे ये कार्यक्रम लिया हुआ है और ऐसे कार्यक्रम हो इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए. और इसीलिए मैं यहाँ पे आपकी जो संस्था है सहयोग स्नेह संस्थान इनका मैं अभिनंदन करता हूँ. संतोष दीदी और उनके सहकारियों का अभिनंदन करता हूँ कि आपने अच्छे कार्यक्रम लिया हुआ है. आगे भी ऐसे कार्यक्रम आप ले और हम आपको हमेशा आपको सहयोग देंगे. इतना ही मैं यहाँ पे आपको मैं मेरा यहाँ पे मैं शब्द रखता हूँ.